हुकूमत और इत्तेहादियों में फासले भरने लगे, हम साथ निभा रहे हैं, हुकूमत नहीं निभा रही। हुकूमत इत्तेहादी स्पीकर चौधरी परवेज इलाही का शिकवा। मुस्लिम लीग काफ की पार्लियामानी पार्टी का अजलास कल शाम तलब। कामिल अली आका ने कहा कि हुक्मरान भूल गए किस तरह वोट मांगे बगैर उनको सेनेट में कामयाबी मिली। सब साजिशें नाकाम हो जाएंगी, दरारें डालने की ख्वाहिश रखने वालों के अरमान पूरे नहीं होंगे, काफ लीग के तहफ्फुज़ात दूर करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़ार की यकीन दहानी, कहते हैं फैसले हमेशा मुशावरत से किए, मुस्लिम लीग काफ इत्तेहादी जमात है और रहेगी। अपोजिशन पहले एक दूसरे की अपोजिशन तो छोड़ दें, और दूसरी बात यह है कि इससे पहले कई इत्तेहाद बनते रहे, कई मुलाकातें होती रही, लेकिन यकसुई नहीं है उनके अंदर। और सियासी बेरोजगारों का इज्तम है, वो हमारा क्या कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और उनके पास किसी किस्म का कोई अवामी एजेंडा नहीं है। इत्तेहादियों के तहफ्फुज़ात को दूर किए जाएं, मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर मम्लकत बराए इत्तला'आत फ़रीक हबीब ने बता दिया, तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं जमहूरियत में इख्तलाफ होता रहता है, मुस्लिम लीग काफ अहम इत्तेहादी, PTI और काफ लीग एक पेज पर हैं। वज़ीर-ए-आला की तर्जुमान नौकरी पक्की करने के लिए उछल कूद कर रखे हैं, तर्जुमान नून लीग अस्मा बुखारी का रद्द अमल, कहती हैं PTM की जद्दोजहद पर अमन इमरान खान और ताहिरुल कादरी की तरह अदारों पर चढ़ाई नहीं की। मुस्लिम नून का पीपल्स पार्टी की PTM में वापसी के लिए मौलाना फजल रहमान को ग्रीन सिग्नल, शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से तफसीली बातचीत। मौलाना फजल रहमान महंगाई मार्च के बाद दीगर पार्टियों को एतमाद में लेकर फैसला करेंगे। PTM जमातें एक दूसरे को रियायत देती रही, ऐसे ही रियायत हम से मांगी जा रही है। जमात पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो कौम को मजीद गुमराह नहीं कर सकते। 5 नए अस्पतालों की तमीर शुरू हो गई, महकमा सेहत सबसे ज्यादा मुलाजते देने वाला महकमा होगा। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का तकरीब से खिताब, बोली पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा प्रमोशंस हमारी हुकूमत में हुई। सर्दियां शुरू होते ही गैस लोड शेडिंग का अजाब भी आ गया, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर इंतहाई कम, मुगलपुरा, शालीमार, लालपुर, फतेहगढ़ समेत दीगर इलाकों के मकीनों का खाना बनाने में मुश्किलात का सामना। लेस्को रीजन में बिजली के सिंगल फेज मीटर नायाब, सब डिवीजन में मीटर्स दस्तयाब ना होने की वजह से हजारों न्यू कनेक्शंस इंतबाह का शिकार, सार्फीन मीटर्स तब्दीली और न्यू घरेलू कनेक्शंस के लिए दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर। हर जुबान पर एक ही दुहाई, सब्जियां, फल, दालें, घी सब कुछ महंगा, आलू की सेंचुरी, ब्रॉयलर 331 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा, शहरी भर्ती कीमतों से परेशान। डेंगू बुखार के मरीजों के लिए मुफीद अद्वियात बाजार से गायब, हुकूमत कई रोज गुजरने के बावजूद पैनाडोल की किल्लत खत्म करने में नाकाम, शहरी अद्वियात ना मिलने पर परेशान। मेडिकल स्टोर्स मालिकान कहते हैं डिमांड बढ़ने पर मुनाफाखोरों माफिया ने सप्लाई कम कर दी। इसका जिम्मेदार सर माफिया है या हुकूमत है? हुकूमत को चाहिए सप्लाई और डिमांड पूरी करे, वो जितनी डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई भेजे, उस हिसाब से सप्लाई नहीं आ रही, माफिया इसको कंट्रोल करके बैठा हुआ है, जो लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं वो ये सारा काम कर रहे हैं। हम तो यहाँ बैठे हैं, आपको पता है एक रिटेल फार्मेसी है, सारिया मार्केट में ट्राई की, किसी ने नहीं, जिन्हें को भी गया उन्हें कहा जी नहीं साढ़े को पैनाडोल नहीं है, कई बंदे ऐसे आते हैं वो 200-400 की दवाई लेंगे ने नाल पैनाडोल फिर देंगे, गरीब आदमी तो मेडिसिन तो भी आके मर गया, ये खान साहब पता नहीं की करेंगे। गर्ग के बादलों ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया, लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल, शहरी आँख और गले के अमराज में मुबतला होने लगे। पंजाब पुलिस का तबलीगी इज्तिमा से तमाम सिलेंडर्स फौरी हटाने का फैसला, DIG ऑपरेशन SN यूनस का सिलेंडर धमाके का नोटिस, SP सदर को फौरी मौके पर पहुंचने की हिदायत कर दी।
अदाकारा शीजा भट्ट की गाड़ी पर फायरिंग का वाकया। अदाकारा शीजा भट्ट के भाई के मुतय्यद ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गुज़िश्ता रात अदाकारा की रिहायशगाह गोपाल नगर नसीराबाद में गाड़ी पर फायरिंग हुई थी। खवातीन में एहसास तहफ़ पैदा करने के लिए रेडियो ट्रैफिक स्क्वाड तैयार। सिटी ट्रैफिक पुलिस की पेट्रोलिंग स्क्वाड में मोटरसाइकिलिस्ट खवातीन शामिल। रेडियो ट्रैफिक वार्डन्स मुख्तलिफ तालीमी इदारों में भी आगाही मुहिम चलाएंगी। NA 133 जिम्मी इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट ने जमशेद चीमा की दरख्वास्त पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस फैसल जमान पर मुश्तमिल बेंच 15 नवंबर को समाअत करेगा। एहतसाब अदालत ने साफ पानी की कंपनी केस की समाअत। अदालत ने मुलजिमान की बरियत की दरख्वास्तों पर नैब से जवाब तलब कर लिया। समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी। आमदन से जायद साजात का मामला। साबिक चीफ इंजीनियर LTA टीपा मजहर हुसैन आरिफ के खिलाफ केस की समाअत। अदालत का नैब को रेफरेंस नकुल फराहम करने का हुक्म। समाअत 23 नवंबर को होगी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में बलदियाती नुमाइंदों का अजलास। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने सदारत की। अजलास में मजमू तौर पर 7 करारदादें मंजूर। सुबह की तमाम यूनियन काउंसिल्स के अकाउंट्स और फंड्स बहाल। यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को फी यूनियन काउंसिल 3 लाख महाना फंड का भी इजरा। निकाह तलाक पैदाइश और अमवात के सर्टिफिकेट से मुतालिक सामान भी मुहैया कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल और MNA रमेश कुमार की जेर सदारत इजलास। अकलियतों के हकूक के तहफ़ से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया। अकलियतों के लिए मुलाजमतों का कोटा और उनकी सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर गौर। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का हर कदम बेहतरी की तरफ गामजन। 3U1M प्रोग्राम के तहत फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हवाले से सेमिनार का इनेकाद। फार्मास्यूटिकल से वाबस्ता मारूफ शख्सियात की शिरकत। 3U1M प्रोग्राम को सराहा। तलबा के लिए सवालों जवाब के सेशन का भी इनेकाद किया गया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का 3U1M प्रोग्राम टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट के मलबूसात पर हैंडमेड डिज़ाइन बनाने की तरबियती वर्कशॉप। तलबा की भरपूर दिलचस्पी। रवायती अड्डे लगाकर कोरा तिल्ला दबका तफ्तीशी और कट दाने का अमली मुजाहरा किया गया। टीवी एंकर नुमान नियाज ने शोएब अख्तर से गैर मशरूत माफी मांग ली। सुलह के बाद दोनों का वीडियो पैगाम। 30 साल की दोस्ती है, ऐसी बातों से नहीं टूटनी चाहिए। नुमान नियाज की गुफ्तगू। पहले माफी मांग लेते तो बात इतनी ना बढ़ती। हर जाने का नोटिस वापस होगा। शोएब अख्तर।